at speed to the city streets. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज विजिट करने जा रही हूँ जी सफारी पार्क का, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले कार पार्किंग की, 100 रुपीज़ कार पार्किंग का टिकट है और काफ़ी बड़ी कार पार्किंग है, इजीली आप लोग यहाँ पे अपनी बाइक्स कार्स पार्क कर सकते हैं। अच्छा जी, एंट्री टिकट की बात करें तो एंट्री टिकट बड़ों के यहाँ पे 50 रुपीज़ हैं और बच्चों के यहाँ पे 30 रुपीज़ का टिकट है। तो टिकट्स ले लिए हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या कुछ है यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए। अच्छा जी, पहले ही मैं बता दूं, ये फैमिली पार्क है और फैमिलीज के अलावा यहाँ पे अलाउ नहीं है किसी का भी आना। ओके जी, दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप लोग आके अपनी फैमिलीज के साथ पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं, अपना लंच वगैरह लेके आ सकते हैं, खाना घर से लेके आ सकते हैं, तो ये अलाउ है यहाँ पे लाना। ठीक हो गया। सबसे पहले जी मैं एंटर होते साथ ही राइट साइड पे गई हूँ, तो राइट साइड पे तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कुछ नया ओपन होने वाला है, और अगर ये पहले से कुछ यहाँ पे ओपन हो चुका है तो भी लेट मी नो कि क्या है यहाँ पे। और इसके अलावा जी हॉर्स राइडिंग क्लब है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद थी जो कि हॉर्स राइड कर रही थी। और पहले मैं जब यहाँ पे गई थी तो मैं इस साइड पे आई नहीं थी, तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग क्लब भी मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद मैं गई हूँ यहाँ पे सफारी बोट राइड की तरफ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, काफ़ी सारी वो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो मेरी पिछली वीडियो में मौजूद नहीं थी। और पिछली वीडियो में क्या कुछ मौजूद था वो आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है? वो बहुत मज़े की वीडियो थी, उसको पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जी यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ जी बोट राइड की तरफ, और इसके जो टिकट प्राइसेस हैं 200-250 इस तरह की इनकी प्राइसेस हैं, और दो बोट्स ही मुझे ये वाली नज़र आई हैं। और इसके अलावा बाकी जो बोट्स हैं जो कपल्स के लिए हैं तो वो ये वाली हैं सामने, तो इसकी 250 है और दूसरे वाले की 200 है। अच्छा जी, कपल्स के लिए इसलिए बोला क्योंकि मैं जब भी गई हूँ मैंने देखा है तो यहाँ पे कपल्स ही होते हैं, तो बहन भाई भी बैठ सकते हैं, तो बहन भाई इस तरह से सारे ही बैठ सकते हैं इसमें, लेकिन दो की गुंजाइश होती है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जी बस ये दो बोट्स ही थी। और एक और नई चीज़ यहाँ पे ओपन हो चुकी है और उसकी तरफ भी जाऊँगी, लेकिन उससे पहले बोट राइड। ओके जी, बोट राइड के ऊपर ही यहाँ पे जिप लाइन है, और इसका जो इफ्तिताह है वो नवंबर में हो चुका था, मैं अभी गई हूँ उसके बाद। और जी टिकट जो है जिप लाइन की वो 500 है, और किस तरह की है ये भी आपको दिखाऊंगी। दो तरफ से आप लोग राइड ले सकते हैं, एक तरफ से जाएंगे दूसरी तरफ से आएंगे। थोड़ी सी वीडियोज़ मैंने साथ बनाई हैं तो आप लोग देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, काफ़ी सारे लोगों ने देख भी ली होंगी। तो इस तरह से बच्चों के लिए भी एडवेंचर के लिए काफ़ी कुछ है और बड़ों के लिए भी काफ़ी कुछ है। तो चलते हैं जी जिप लाइन की तरफ और दिखाती हूँ कि वो किस तरह का एडवेंचर है। अच्छा, तो सफारी पार्क में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं। और जिप लाइन 7 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है, 7 साल से बड़े बच्चों के लिए है। और जी इसके अलावा यहाँ पे आज मैं ज़ू का भी विज़िट कराऊंगी। ठीक हो गया, पहले मैंने आपको ज़ू का, कराची ज़ू का विज़िट कराया था और काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आई वो वीडियो, और उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? और आज मैं सफारी पार्क में जो ज़ू है उसका भी विज़िट करने जा रही हूँ।
ओके जी, तो यहाँ पे काई आर्चरी क्लब भी ओपन हो चुका है और इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज का टिकट है यहाँ का। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह का है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी फैमिलीज मौजूद थी और कुछ जा रही थी, तो चलते हैं देखते हैं कि ये किस तरह का एडवेंचर है। अच्छा, 100 रुपीज़ का टिकट है और जिसका निशाना बिल्कुल सही लगेगा तो उसके लिए ये सारे गिफ्ट्स मौजूद हैं, तो इनमें से कोई ना कोई गिफ्ट उसको मिल जाएगा। लेकिन गिफ्ट्स के लिए जो टारगेटेड एरिया है उसी पे आप लोगों ने अपना टारगेट रखना है। उस पे जाके अगर तीर लगेगा तभी आपको गिफ्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको गिफ्ट नहीं मिलने वाला। अच्छा, वैसे देखने में बहुत इजी लग रहा होता है ये, लेकिन यहाँ पे मैं जब देख रही थी लोगों की एफर्ट्स तो किसी का भी उस टारगेट पे लग नहीं रहा था। बहुत कम इस तरह के लोग थे जिनका टारगेट पे लग रहा था या लग के बिल्कुल गिर रहा था, वहाँ पे रुक नहीं रहा था। ओके जी, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे जी डायनो सफारी पार्क। इसकी वीडियो बहुत पसंद की आप सबने, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी और वो देख लीजिएगा। अब इसका टिकट 100 रुपीज़ का हो चुका है और इसके अलावा जी ये वाली जो आप ट्रेन देख रहे हैं इसका टिकट 50 रुपीज़ का है और ये आपको लेके जाएगी प्लेलैंड तक। ठीक है, ये आपको और कहीं भी नहीं लेके जाएगी, ये सिर्फ प्लेलैंड लेके जाएगी और 50 रुपीज़ का पर हेड इसका टिकट है। और जी इसके अलावा मैंने एक और चीज़ यहाँ पे क्या देखी है, वो देखी कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, ये वाली जी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और ये सारी जू की लाइन है। यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं और फिर आप लोग जाते हैं उन गाड़ियों में बैठ के। तो जू का जो टिकट है वो 60 रुपीज़ का है। यहाँ पे कोचेस बसेस वगैरह आती हैं तो हमने भी जी टिकट ले लिया और लाइन में लग गए हैं। तो इतनी लंबी लाइन जो है ये आपको हार्डली 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है तो आपकी बारी आ जाती है। तो ये जी इस तरह की बसेस और कोचेस वगैरह आती रहती हैं और सारे लोग जो तरतीब से बैठेंगे और कोई भी खड़ा होकर नहीं जाएगा, आराम से बैठ के सुकून से आप लोग जाएंगे। जू के अंदर ही आपको लेके जाते हैं और वहाँ पे आपको लाइव जू दिखाएंगे, जो कि पिंजरे जो केजेस हैं वो पूरे बंद नहीं हैं, उसमें इसी तरह से एनिमल्स घूम रहे हैं। वो भी दिखाऊंगी कि सफारी पार्क का जो जू है वो कैसा है, एनिमल्स यहाँ के कैसे हैं और जी और कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इस तरह से बस में बैठ के जाएंगे हम लोग और बस से वहाँ से उतरने नहीं देते, जस्ट राउंड लगा के हमने वापस ही आना होता है। तो चलें जी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से, तो चलें चलते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि सफारी का जू कैसा है और कौन कौन से जानवर हैं। ओके जी, एंटर होते साथ ही यहाँ पे ऑस्ट्रिच हमें नज़र आए हैं। 2-3 ऑस्ट्रिच ही थे जो शुतुरमुर्ग होते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी देर यहाँ पे रुकी है, चंद सेकंड्स के लिए, 2-3 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद जी ये जो बस है ये दोबारा से चल पड़ी है। मैंने अभी बीच में से काफ़ी सारी वीडियो कट की है क्योंकि सारा जंगल ही जंगल बीच में आ रहा था और यहाँ पे दूर दूर आपको यहाँ पे थे जी, क्या थे यहाँ पे, ब्लैक कलर के बड़ी बड़ी सी गोट्स थी यहाँ पे, वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अच्छा थोड़े थोड़े से फासले पे, बल्कि ज़्यादा ज़्यादा से फासले पे यहाँ पे बोर्ड्स मेंशन थे कि यहाँ पे क्या कुछ है। काला हिरन भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, तो ये जी बोर्ड लगा हुआ है काला हिरन और दूर दूर थे काफ़ी, तो नज़दीक नहीं थे इसलिए इसी तरह से। और इसके साथ जी यहाँ पे हॉर्स आपको काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, ये सारे हॉर्स हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जी यहाँ पे ज़ीब्रा भी मौजूद है, ठीक है, ये एक ही हमें नज़र आया है, बाकी तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। और बाकी ये जितने भी नीला बैल और ये सारे थे यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था, ठीक है, सारा जंगल ही जंगल था, कुछ भी नज़र नहीं आया है। और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे जानवर देखने को मिलेंगे क्योंकि गाड़ियों से नहीं उतार रहे तो काफ़ी मे बी के डेंजरस जानवर हों और इस तरह से खुले में हों,
लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे यहाँ पे आके। सो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस था यहाँ पे। आगे चल के हाथी भी नज़र आएंगे, वो भी दिखाऊंगी कि कैसे हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये वाला पोर्शन मुझे लगा है जो कि ये वाले हिरन हैं, बहुत खूबसूरत और काफ़ी सारी तादाद में थे और केज के काफ़ी नज़दीक थे। अभी मैंने ये जूम की है वीडियो ताकि कुछ नज़र आ सके, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाकी जितने भी बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे लेकिन अंदर उसमें जानवर वगैरह मौजूद नहीं थे। ओके जी, इसके अलावा यहाँ पे ये दो हाथी मौजूद हैं और काफ़ी दूर थे हाथी यहाँ से, और गाड़ी आप लोग देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से चल रही है। ये नहीं कि थोड़ी टाइम के लिए वहाँ पे रुक जाएं कि तसल्ली से सारे लोगों को देखने दें, लेकिन नहीं, बस जो है वो काफ़ी तेज़ी से चली जा रही थी। तो कुछ इस तरह का हमारा एक्सपीरियंस था ज़ू का, और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, इंतहाई बुरा एक्सपीरियंस था जी। सही से ना जानवर देख सके हैं, क्योंकि इतने थे ही नहीं, जो थे वो भी सही से नहीं देख सके हैं। तो ये एक्सपीरियंस था, अगर फिर भी आप लोग जाना चाहते हैं तो जाएं। तो इंतज़ामिया कुछ आई है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे भी फोकस करें और थोड़े जानवर भी ज़्यादा रखें, और अपने ड्राइवर्स को भी बोलें कि थोड़ी स्पीड हल्की रखें और थोड़ा जगह जगह रुकें ताकि वो जानवर हम लोग देख सकें। अच्छा, दूसरी साइड पे यहाँ पे जी आपको भूत बंगला भी मिलेगा, प्ले एरिया भी है, और ये जो ट्रेन है ये प्ले लैंड की तरफ जा रही है। प्ले लैंड की पूरी वीडियो मैंने बहुत अच्छी बनाई हुई है, आप लोगों ने बहुत पसंद की है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। कैंटीन की तरफ आ चुकी हूँ मैं, और कैंटीन में भी काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि संडे वाले दिन मैं आई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे भी। इसके बाद जी और किस जगह पे चलते हैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ कि और सफारी में क्या कुछ है। ओके जी, प्ले एरिया एक और ये बच्चों का है, और सफारी पार्क जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए मुझे भी दो वीडियोस बनानी पड़ी। एक मैंने कुछ टाइम पहले बनाई है वीडियो, आप लोगों के साथ शेयर की है, एक मैं आज कर रही हूँ ताकि सफारी पार्क की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे पूरी की पूरी मौजूद हो। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं इतनी ज़्यादा दे रही होती हूँ, तो बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को पसंद करते रहें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे फ्री की राइड्स वगैरह भी थी, जो स्लाइड्स होती हैं, ये भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा जी, तो इस तरह के काफ़ी सारे बेंचेस यहाँ पे जगह जगह पे बनाए गए हैं, तो आप लोग इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं और बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जी बिल्कुल कॉर्नर पे एग्जिट के साथ ही यहाँ पे मस्जिद भी बनाई गई है, तो इजीली यहाँ पे आप लोग नमाज अदा कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए अलग जगह है, जेंट्स के लिए अलग जगह है। तो ये थी जी सफारी पार्क की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।